प्रेजेंटेड बाय प्लेयर्स स्पॉट इंडिया का नया मैदान डाउनलोड द ऐप नाउ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल एक महीने लंबे टूर्नामेंट का अंत आ गया है। साथ ही ये भी तय हो गया है कि इस बार टी20 विश्व कप को एक नया चैंपियन मिलने वाला है। एक तरफ है वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जिसने एक नहीं बल्कि 5 क्रिकेट विश्व कप जीते हैं जबकि एक बार भी टी20 चैंपियन नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जिसने 2015 और 2019 में दो दो विश्व कप फाइनल खेल लिए लेकिन एक बार भी ICC की ट्रॉफी नहीं उठा पाया है। इस बार कोई एक टीम जीतेगी और वो पहली बार जरूर होगा। फाइनल से ठीक पहले अब विजेता को लेकर प्रेडिक्शन किए जाने लगे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया को खिताब का प्रबल दावेदार बता रहा है तो कोई न्यूजीलैंड को नया चैंपियन घोषित कर रहा है। ऐसा ही एक प्रेडिक्शन दिया है इंग्लैंड टीम के पूर्व कैप्टन केविन पीटरसन ने। पीटरसन का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम संतुलित दिख रही है लेकिन उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन जाता है तो। पीटरसन ने कहा, न्यूजीलैंड की टीम सभी बेस कवर कर रही है, वो संतुलित नजर आती है लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना चाहूंगा। इतिहास गवाह है, जब भी कभी बड़े फाइनल्स में ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं तो ऑस्ट्रेलियंस ने इक्की भी टीम को उखाड़ फेंका है, जैसा कि मेलबर्न में 2015 के 50 ओवर विश्व कप में भी हमने देखा था। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर मैं रविवार को ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी उठाते देखता हूं तो। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमें अपने ग्रुप स्टेज में नंबर 2 पर रही थीं, लेकिन इन दोनों ने ही अपने से दूसरे ग्रुप की नंबर 1 टीम को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल 2 में पाकिस्तान को हराया, वहीं न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल 1 में इंग्लैंड को हराकर बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टी20 रिकॉर्ड की बात करें, दोनों टीमों के बीच 14 टी20 मैच खेले गए हैं जिनमें 9 में ऑस्ट्रेलिया और 4 में न्यूजीलैंड की जीत हुई है। केविन पीटरसन का ध्यान शायद इस रिकॉर्ड पर भी रहा हो। पीटरसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अक्सर करो या मरो मैच में शानदार प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियंस करो या मरो मुकाबले में अक्सर ऐसा करते हैं, वो हमेशा काम पूरा खत्म करते हैं, इसलिए वो लंबे समय से एक मुश्किल प्रतिद्वंदी रहे हैं क्योंकि अगर वो किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर वो अलग ही जोन में होते हैं। केविन पीटरसन की बातों में दम तो है, अक्सर ऑस्ट्रेलिया को बड़े टूर्नामेंट की मुश्किल टीम कहा जाता है। ऐसे में देखना होगा कि न्यूजीलैंड किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब हो पाता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।